क्वेश्चन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है टीजीटी पीजीटी भर्ती पर, और ये शासन ने एक लेटर जारी किया है। ये इसमें ये मांगा गया है कि अध्याचन जो भी आपके यहाँ बचे हुए हैं वो 10 दिन के अंदर आप अपने अध्याचन दें, जिससे आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके। और अब हम बहुत जल्दी 7,000 पदों का अध्याचन पहले ही मिल चुका था, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी अध्याचन बचे हुए हैं वो 10 दिन के अंदर पहुँच जाएंगे और ये भर्ती प्रक्रिया ठीक 15 से 20 दिन के अंदर शुरू होने वाली है। और ये बहुत बड़ी खबर है सभी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए। ये सोचा रहा था कि 27,000 भर्ती अभी निकलनी है, क्योंकि 27,000 टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं, लेकिन 7,000 का अध्याचन अभी तक मिल चुका है। और इस लेटर के बाद हो सकता है कि 1,000 से 2,000 पद का अध्याचन और भेजा जाए, जिससे लगभग 9 से 10,000 के आसपास पदों की संख्या हो जाएगी। और मैं बताता हूँ आपको, आप देखिए कि इस लेटर में क्या लिखा है। अभी ये प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य एक तृतीय अनुभाग, समाज जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम द्वितीय उत्तर प्रदेश। ये साफ साफ इन्होंने दे रखा है, ये पत्रांक संख्या वगैरह पड़ी हुई है, कि विषय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता पुरुष महिला एवं सहायक अध्यापक पुरुष महिला के रिक्त पदों का अध्याचक प्रेषित करने के संबंध में उपयुक्त महोदय उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए लिखित करना है कि शिक्षा निदेशक महोदय के अपने पत्रांक संख्या 26 मार्च 2022 द्वारा। देखिए, बहुत जल्दी काम हो रहा है, ये 26 मार्च का है। शिक्षा निदेशक ने लेटर 26 मार्च को भेजा है सहायक शिक्षा निदेशक के लिए, और अपर शिक्षा निदेशक ने इसको ठीक 23 के बाद ठीक 28 तारीख को जारी कर दिया, मतलब 5 दिन के अंतर पर उन्होंने अपना लेटर बना के और जिला विद्यालय निरीक्षक से पूरा का पूरा अध्याचन मांग लिया है। तो ये एक अच्छी खबर है और तेज़ी इसमें दिख रही है, और इसमें साफ साफ दे रखा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई अपेक्षा अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता पुरुष महिला एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का 100% अध्याचन कराए जाने की सूचना चाही गई है, एवं जिन रिक्त पदों के प्रति अध्याचन प्रेषित किया जाना शेष है उन रिक्त पदों का अध्याचन प्रेषक की कार्रवाई पूर्ण कर 30 मार्च का समय दिया है, और वो भी निकल गया है, तक अवगत कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, मतलब प्रधानाचार्य के भी पद आने वाले हैं, प्रधानाचार्य के भी आने वाले हैं, और प्रधानाध्यापक और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक, इन सभी के, आप ये सोचिए कि सभी का अध्याचन मांगा गया है, तो शासन में हलचल तेज है, क्योंकि योगी सरकार 2 बनी है तो उसे लगता भी है कि युवाओं ने मुझे वोट भी दिया है, तो क्यों ना हम युवाओं के लिए नौकरियों की बरसात कर दें। तो उसी क्रम में आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है कि शासन द्वारा चाही गई मंशा के अनुरूप, मतलब शासन ने खुद ये कहा है आयोग से, ये मतलब माध्यमिक शिक्षा परिषद से, कि आप पता करिए, आप अध्याचन लाइए और मुझे दिखाइए कितनी वैकेंसी हैं, जिससे उनका उनकी मतलब जो पद हैं उसका विज्ञापन जारी किया जा सके। और आप देख पा रहे हैं कि साफ साफ ये डॉक्टर महेंद्र देव हैं, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, और ये उन्होंने ये लेटर समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए भेजा है, शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से ये लेटर आया है, और डॉक्टर महेंद्र देव अपर शिक्षा निदेशक ने इसको जारी किया है। तो अब हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि 27,000 जो टीजीटी पीजीटी की हम लोग इंतजार कर रहे थे, कि हो सकता है कि ये अध्याचन जो 100% इन्होंने मांगा है, अगर ये भरता है तो आप मानिए कि आपकी वैकेंसी बहुत बड़ी होने वाली है। 7,000 पदों का अध्याचन ऑलरेडी आयोग के पास है, इससे ज़्यादा भी अध्याचन बढ़ने वाला है, और इसके अलावा एलटी ग्रेड की भी भर्तियाँ वेटिंग में हैं, तो बिल्कुल समय मत गंवाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और बाकी जो भी सूचनाएँ आपके लिए होंगी मैं उसका अपडेशन लेके आऊँगा। और बिल्कुल भी आप जैसे, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख पा रहे हैं टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड इनकी भर्तियाँ बिल्कुल आपके नज़दीक हैं, किसी भी 30 मार्च तक का समय दिया गया था, पूरा का पूरा सारी भर्तियाँ कराने के मूड में योगी सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि जो भी भर्तियाँ पेंडिंग हैं आप उनका खाका खींचिए और मुझे उनकी पूरी कार्य योजना दीजिए। तो बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें, और टीजीटी की पीजीटी से रिलेटेड जो भी खबर होगी मैं आप तक तुरंत लेके आऊँगा। चैनल का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सभी जानकारी के लिए आर फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।